वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है 10:45 आई थिंक, हाँ 10:45 हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने ब्लॉग में बोला था, आई रियली वॉन्ट टू वेयर वन पीस ड्रेस, सो आई डोंट नो कैसे कहाँ से वो। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आप शिद्दत से मांगते हो ना कि आपको, लाइक है होता है ना ऐसे शायद मतलब वो कहते हैं ना पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो आज सुबह हम वहाँ का क्या है, तो ये मुझे बोलते हैं चलो मॉल चलते हैं घूमने के लिए। मैंने कहा हाँ जाना है, मतलब मैं ऐसे यू नो कि जब भी मैं जाती हूँ मैं अकेली जाती हूँ। सो मैंने कहा कि चलो ये मुझे मॉल लेके जा रही है, जो कि मेरे लिए लाइक ऐसा है कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया। और दूसरा कि जो तुझे खरीदना तो खरीद लेना। तो मैंने इनको बोला मुझे ना स्टारबक्स की बॉटल लेनी है, कि मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं मिला है, बट इन एनिवर्सरी गिफ्ट। सो ये बोलो नहीं, तो मैं ठीक है मुझे वन पीस ड्रेस लेंगे, ठीक है तो मैं वन पीस ड्रेस लेने जा रही हूँ आज, और मैं पहनूंगी लूँगी और बाकी आपको वहाँ पर जाकर बताती हूँ। अभी मैंने कपड़े ड्रेस निकाले हैं और ब्लॉग स्टार्ट किया है। मैंने कहा जाने से पहले झाड़ू पोछा लगाया, मैंने कपड़े धोए, किचन साफ कर दी, बर्तन बर्तन ये पूरे साफ कर दिए, गैस वैस साफ कर, मतलब सुबह हम वहीं पर खाना खा के आए थे ना हॉल फॉर में, पर फिर भी थोड़े बर्तन थे ऐसे, रात को कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी, सुबह चाय के थे और रात के खाने के, तो मैंने थोड़ी ये ना क्लीन कर दिए। सो फिर अभी हम चलते हैं फटाफट से, आई एम सो एक्साइटेड कि हम जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तब होती है जब आप अपने हस्बैंड के साथ जाते हो। निकाला है ये पहनने के लिए, मैंने कहा चलो आज ये वाला पहन लेते हैं। ये ना मैंने मुंबई में पहना था, उसके बाद मैंने इसको प्रेस करवा के तैन लगा के धुल के रख दिया था, तो मैं चलो आज इसको पहन लेती हूँ। तो समझ में नहीं आता कि इसके साथ क्या पहनूँ मैं, तो फिर मैंने ये ट्राउज़र निकाला है ब्लैक कलर का, जैगिंग है ये मेरी, सो जैगिंग पहनूं या फिर ब्लैक कलर का एक पजामा है वो पहनूं, समझ नहीं आ रहा। All of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. हम दोनों ने वाइट वाइट शर्ट पहनी है, ये मेरा आइडिया नहीं था, इनका आइडिया था, मतलब भारत का। और ये पाइप थोड़ी आगे गाड़ी में मारनी है, लेकिन बहुत मिट्टी पड़ी है, बस हल्का सामान है, पर चला दो बस ताकि आगे कुछ दिख जाए। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं मतलब क्या पहनूँ इसके साथ, है ना। जो मैंने जीन्स इसके साथ पहनी थी ना वहाँ बॉम्बे में, वो मेरी हिमाचल में है, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक दो जीन्स तीन जीन्स है, बाकी मेरी जो फेवरेट वाली जीन्स है ना जो मेरे पास ये प्रीतिका, वो भी मेरी हिमाचल में। और आई एम सो एक्साइटेड कि आज इनके साथ जा रही हूँ, भले ही इनको ऐसे मेरा पता है लड़कों को कि लड़कियाँ देखती रहती थी लेती कुछ नहीं, हम एक दुकान पर आएंगे घंटा लगाएंगे फिर कुछ नहीं, फिर गुस्सा करते हैं। भारत को इधर बिठा के मैं करूंगी शॉपिंग, से ये ले रहे हैं कॉफी, और क्या भेजें, हॉट ही होती होगी। बाय। भारत ने ली एक हॉट कॉफी और वो इधर बैठे हैं, सो मैं थोड़ा घूम के आती हूँ, हम चलते हैं ओनली में। मैंने लिया है एक जोड़ा जूतों का, मेरी जूतों में ना चॉइस बिल्कुल नहीं है, मतलब मुझे पता ही नहीं चलता क्या लेना है, पसंद मेरे मेरी चॉइस अच्छी नहीं है और मैं कभी भी फुटवेयर नहीं ले पाती कभी भी। भारत में ना वेट कर रहे होंगे, इसमें फटाफट से भाग भाग के वगैरह जल्दी से ले आते जो तुझे लेना है, वो एक जगह बैठ गए। एंड अभी मुझे वैरामोडा में जाना है, बस मैंने ना इतनी सारी घूमती रही बस एक ही जूते ले और इतनी सारी चप्पलें जूते ट्राई किया।
रेड वेलवेट। पहले कौन सी पसंद की थी मैंने? ये थी ना तीनों। आपका स्टेनलेस स्टील है, निकल होती है ना, स्टील है, डील है, डील है ना बेटे, डील लग रहा थोड़ा। एक और कर दे, एक और दे ना, टाइम बहुत है। नहीं नहीं फिर लग जाएगा दोबारा। हाँ Going back to IIT Kanpur. घर जाके दिखाती हूँ, इतना इतना घूम के मैंने क्या क्या लिया है। दो बज के एग्जिट वो लिखा नहीं, एग्जिट देखो, एग्जिट पीछे करके ये रास्ता है ना, वो है। कितनी देर के हैं? 40 रुपए पूरा दिन गाड़ी लगा के रखो, रात को नहीं, दिन में। एक्सिट एक्सिट, अब हम कहाँ निकलेंगे? मैं कभी जिंदगी में इतनी जल्दी मॉल से वापस नहीं गई। 3:11 पे हम लोग पहुँच गए हैं बैक टू घर। अभी बनानी है चाय और ये थोड़ा लेट गए हैं कि मेल्स का लेदर, मुझे मेरी घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मैंने ये वाली घड़ी ली है। और चाय बनाती हूँ, फिर ये जाएंगे अपने काम के लिए, उसके बाद तसल्ली से बैठ के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया और क्या क्या। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा लिटरली, लाइक मैं पूरा आपको बताऊँगी कैसे कैसे क्या क्या रहा। हाँ जी, तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि एक्चुअली छुट्टी वाले दिन भी भारत क्या होता है, काम करते हैं अपना लैब में जाके, सैटरडे हो संडे हो कुछ भी हो काम करते हैं। मुझे मतलब घुमाने के बाद अपने काम पे चलेगी क्या, अब मैं बहुत खुश होगी, चलो मैंने तुझे घुमाया, अब तू मुझे बोलेगी नहीं कि मुझे घुमाता नहीं। बहुत बहुत टाइम क्या, आई थिंक कितने दिन बाद हम जर्स के मॉल गए होंगे, जब टीवी लेने गए थे शायद तब गए। एक्चुअली ना मैं हम मॉल गए, घूम के आए, बहुत खुश थे, लैब चले गए, फिर सडनली मेरे घर से मेरे को कॉल आया प्रीति का। वैसे तो जब मॉल में थे तभी उसका फ़ोन आया था मुझे, तो मतलब वो जी रातू बीमार है तो वो काफ़ी परेशान सी हो गई थी। फिर एक दो चीज़ें हुई तो मैं ना एक चीज़ ना बोलना चाहती हूँ, मतलब मैं ना अपने परिवार की तरफ से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं इतनी दूर बैठी हूँ, जब वो परेशान होती है, रोती है या किसी भी तरह, जैसे वो आपको पता है वो कितनी कमज़ोर होगी, उसको ब्लॉग देखती हूँ, जब मैं तो देखती हूँ वो 50 kg, 51 kg इतना उसका वजन चला गया, जो कि ठीक है वेट लॉस पे है तो ठीक है, अदरवाइज ये चीज़ सही नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा अंदर से ना टूटी हुई है, अभी से नहीं बहुत टाइम पहले से, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर से है ना। तो अगर वो जब मेरे पास यहाँ पे आई थी, थोड़ा वो ऐसे खुश रहती है, मैं पहले एक महीना यहाँ पे उसके पास रही, यहाँ पे रही विमरस में, वहाँ घर पे रही, लोगों को लगता है कि दोनों लड़कियाँ मायके में बैठी, आके ये नहीं किसी को पता है कि क्यों मैं क्यों बैठी हूँ, है ना, क्या डर है अंदर हमारे, है ना, कि लड़की वो अंदर से इतनी परेशान इतनी दुखी है ना। हो सकता है जो कमेंट्स करते हैं ऐसे वो उसको कैसे समझते हैं, बट मैं एक बात बोलूँ, वो भी किसी की लड़की है ना, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, वो एटलीस्ट उसके लिए गलत कमेंट्स तो मत करो, अपने मतलब उसकी उसकी जगह आके सोच के देखो। दीपू की शादी होगी कल को, है ना, मेरा अपना यहाँ पे इधर सेटलमेंट है,
वो किस प्रकार से सोचती है। बहुत चीजें होती हैं गाइस सोचने के लिए, बहुत सारी चीजें। और वो लड़की, मुझे बहुत दुख होता है, मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहती, वो व्लॉग देखती है तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगी। मैं आपको बताऊं कि मेरे को अभी ऐसे पता चला कि मेरा मन अभी कुछ ऐसा पता चला मुझे कि वो इतने दुख ही ज्यादा रोने लग पड़ती है, गलत गलत बात करने लग पड़ती है कि ऐसे मतलब बच्चे को देखते स्कूल दे यार मम्मी हमारी ने किस तरह से हमको बड़ा किया पाल के। सो एक हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि प्लीज़ मेरी सिस्टर रिश्तेदार तू उनके बच्चे को प्लीज़ जीने दो यार, ऐसे गलत गलत कॉमेंट्स मत करो ना, गलत गलत ऐसी चीज़ें उसके साथ करो। वो अपना व्लॉग बनाती है बस वो खुश रहती है, उसे इंस्टा पे भर भर के ऐसी ऐसी चीज़ें भेजते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे ऐसी ऐसी चीज़ें भेजते हैं कि मतलब अगर मैं शेयर करूँ तो आप सोचोगे कि यार ये एक औरत की किस प्रकार से दुश्मन हो सकती है। ऐसा लगा कि मैं मतलब अभी घर चले जाऊँ तो मतलब बहुत दूर बैठते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है। तो कुदरती मम्मी को छुट्टी है, दीपू भी घर पे है, बट मतलब लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। एक लाइक आप व्लॉग देखते हो है ना, किसी का भी व्लॉग आता है तो आपको लगता है कि नहीं चीज़ें बहुत आसान है, उसको तरह तरह की बातें बोलते हैं, तरह तरह की बातें उसको जो कमेंट्स आते हैं लाइक 70-80% इस तरह के होते हैं कि जिससे बहुत पिंच होती चीज़ें। यार कुछ भी अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो गलत तो मत बोलो, पिंच तो मत करो, एक औरत का ही समझ लो। मतलब उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही है ना यार, प्लीज़ मैं एक हाथ जोड़ के विनती कर दी कि बख्श दो यार उसको, ऐसे कमेंट्स मत किया करो, कुछ इंस्टा पे मत किया करो, उसको बख्श दो, मतलब उसको जीने दो यार, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। इट्स नॉट कि मैं व्लॉग बनाऊंगी या वो व्लॉग में आके चीज़ें बताएं, अगर उसको व्यूज़ का ही हुआ ना कि उसको व्यूज़ चाहिए व्लॉग बनाने, तो उसके पास ना उसकी ज़िंदगी का ऐसे ऐसे मतलब ज़िंदगी की जो सच्चाई होती है ना उसके पास ऐसी चीज़ें हैं बोलने को, बट क्यों बोले वो यूट्यूब पर है ना। यही लोग बोलते हैं कि नहीं व्लॉग बनाने के लिए ऐसे करती वैसे करती, बहुत सारी चीज़ें उसके बोलने में। सच के साथ जो बंदा खड़ा होता है, जो सच बोलता है, ऐसे लिपा पोती करके नहीं बनाता है चीज़ें। मैं ये नहीं कहती कि मेरा बातें सुन के अब आप किसी और को जाके गालियाँ निकालें, मेरी वो फितरत नहीं है कि मैं बहुत मीठा मीठा व्लॉग बनाऊँ ताकि लोग जाके दूसरे के व्लॉग पे उसको गालियाँ निकालें। समझ में आता है ना इंसान को यार कौन चलाकियाँ कर रहा है, सो सीधी सी बात है चलाकियाँ चलुकियाँ ना करो, उसको जीने दो यार, लड़की को एक ज़िंदगी है। पता है वो उसने जब अपने व्लॉग में प्रीति ने बोला कि ना लोगों को दुनिया को यहाँ पे बताने के लिए सच कि वो सच्चा इंसान है, मैं इतना उस टाइम रोई वो बात सुन के पता, और मैं इतना मतलब आज हम दोनों घूमने गए तो मेरा इतना मेरा दिल दुखा ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। यूट्यूब पे इस चीज़ को शेयर करने का मतलब मेरा, मैं एक बात बोलूँगी यार, अच्छा नहीं लिख सकते ना तो गलत मत लिखो, उसे उसके हाल पे रहने दो, उसको जीने दो यार। मतलब मुझे पता है यार कि किस तरह से परिवार को देखना पड़ता है। यहाँ पे देखो बाहर मुझे बोलते कि नहीं तुझे वहाँ पे रहना है, प्रीति वो मेरे साथ खुश रहती है, मैं उसको अकेलापन कभी फील नहीं होने देती। मैं बताऊँ अगर वो यूट्यूब छोड़ देगी ना तो उसकी लाइफ शायद बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैं बताऊँ हर चीज़ का बहुत कुछ बोलने को है ना, बहुत कुछ दिल में ऐसा होता है कि नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। बट मैं ये बोलूँगी कि मतलब मेरे को गालियाँ निकालनी है आपको, मेरे को गलत बोलना है आपको, ठीक है मुझे बोल लो, लेकिन उसको ना बोलो, प्लीज़ उसको ना बोलो, उसको उसकी हाल पे जीने दो। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, वो मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। जो मेरे साथ थी वो हम बम्बई जाके आए, हम शिमला गए, मतलब मैं बताऊँ आपको मैं चाहती हूँ कि उसका ध्यान थोड़ा ऐसे रहे है ना। लेकिन अगर कोई मेरा ये व्लॉग देख रहा है, अगर उसके घर में कभी ऐसा हुआ है, वैसे किसी के घर में ऐसा कुछ हो ना, तब उसको पता चलेगा कि क्या दुख होता है ना। और जिस तरह से मतलब मीठे मीठे व्लॉग्स बना के दूसरे की फैमिली को गालियां भिजवा दो, फिर कुछ एक्सप्लेन भी ना करो, फिर क्योंकि सच के साथ खड़ा होना, एक जब आपकी आंखों में सच्चाई होती है ना आपको डर नहीं लगता। मैं 1000 व्लॉग बना सकती हूँ इफ अगर मुझे लाइक मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि जिनके पास सच होता है ना उनको डर नहीं लगता। एंड बहुत कुछ मेरे को वैसे बोलने को मन करता है क्योंकि मेरे को ना किसी के साथ चलाकियां करनी आती है ना मुझे किसी के लाइक मुझे, तो मैं इसको ये कहूंगी कि प्लीज उसको जीने दो, उसे इंस्टाग्राम पे या किसी के थ्रू ऐसे ऐसे मैसेज ना भिजवाओ कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, परेशान हो जाए।